मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सुबह 9 बजे से बैठे हैं, काफी थकान भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ खुद के संबंधित विषय बहुत कम होंगे, लेकिन और विषयों को भी उनको झेलना पड़ रहा है। सामान्य रूप से सरकार का एक स्वभाव रहता है सीक्रेसी का, आज के इस अवसर पर आप अनुभव करते होंगे ओपननेस का, एक खुलापन सरकार क्या सोचती है। अब ये चीजें जितनी आज आपके सामने आई है, यही चीजें पाने के लिए पता नहीं कितनी आरटीआई करनी पड़ती है आपको। तो व्यवस्था ऐसी विकसित की जा सकती है कि उसी प्रकार से हमने देखा है कि बजट जब आता है तो ढेर सारे डेलीगेशंस मेमोरेंडम लेकर के आते हैं, वो भी एक ऐसी फॉर्मेलिटी हो जाती है, एक सरकार कागज ले लेती है, कितना ही बड़ी हायर पोजीशन पर क्यों ना हो, अच्छा अच्छा देख लेंगे, फिर वो कागज प्रोसेस में चला जाता है। आज आपने देखा होगा कि आपके जो कंसर्न्स है उसकी यहां चर्चा हुई है, सिर्फ सुना गया ऐसा नहीं, चर्चा हुई, इतना नहीं, उसमें से रास्ते खोजे गए हैं। रास्ते खोज करके हम मिलकर के अचीव कैसे करें, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फीलिंग आ जाए, फीलिंग ऑफ वननेस, उस दिशा में एक प्रयास है। जब मैं प्रारंभ से कहता हूं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये विषय बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ लोग तो यही मानते हैं कि मंत्रियों की संख्या के आधार पर तय होता है कि मिनिमम गवर्नमेंट है कि नहीं है। तो ये उनकी समझदारी का प्रॉब्लम है। लेकिन मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस क्या होता है, वो आज एक दिन में आपने देख लिया। शायद जितने निर्णय आज आप कर रहे हैं, मिलकर के कर रहे हैं, शायद सरकारी फाइल और प्रोसेस में हुआ होता तो सालों निकल जाते। ये है मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट टू मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में कैसे जा सकते हैं, इसका ये एक स्वाभाविक आपके सामने प्रस्तुत है। मैं जब नया नया आया, मैंने 15 अगस्त को भी इस बात का उल्लेख किया था लाल किले पर से, मैं अनुभव कर रहा था कि यहां सरकार साइलो में चलती है, हर एक का अपना अपना एक रजवाड़ा बना हुआ है। वो अपने पिछले 6-7 महीनों में सबसे पहला हमने काम किया, उन सारे बैरियर्स को खत्म कर दिया, मिल बैठ करके निर्णय करें, कागजी कार्यवाही आखिर में होती है। आज हमने उसमें से एक स्टेप आगे गए हैं, और वो एक स्टेप है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल सिर्फ पूंजी और प्रोजेक्ट नहीं होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हो सकता है, एक नया अप्रोच है। और उस नए अप्रोच को आज आपने अनुभव किया, इट्स अ गुड बिगिनिंग, लेकिन इससे आपको संकेत मिलता होगा कि किस दिशा में जाया जा सकता है। तो इन ट्रू सेंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल मीटिंग ऑफ माइंड से शुरू होता है, तो फिर अचीवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचता है। और मैं मानता हूं कि आज पूरे धन भर में आपने इस बात को अनुभव किया होगा। मुझे याद है जिस दिन 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर मैंने मेक इंडिया कार्यक्रम की यहां शुरुआत की थी, आप में से कई मित्र यहां थे। उसके बाद मैं काफी कुछ उसकी आलोचनाएं सुन रहा था, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने में एक विचार को सिद्ध करने के लिए
गवर्नमेंट मशीनरी ने किस प्रकार से अपने आप को तैयार किया है, सज्ज किया है, आपको अनुभव आया होगा आप चर्चा में। कानून बदलने पड़े तैयार है, नियम बदलने पड़े तैयार है, व्यवस्थाओं को स्पीडी करना है तैयार है। ये जो एक बदलाव है, वो बदलाव को हमें रियल धरती पर आगे उतारना है, और इसलिए आपको इसके साथ जोड़ करके इसके लिए हमने प्रयास किया है। हम जानते हैं सरकार ज्यादातर एबीसीडी में फंसी हुई रहती है। सरकार का कल्चर एबीसीडी कल्चर होता है और ये ऊपर से नीचे तक होता है। और जब मैं एबीसीडी कहता हूं, मतलब ए मतलब अवॉइड, बी बायपास, सी कंफ्यूज, डी डिले। हमारी कोशिश है एबीसीडी कल्चर से एक ऐसे रोड मैप पर जाएं जिसमें सक्सेस ही सक्सेस हो। और जब मैं सक्सेस ही सक्सेस के रोड की बात करता हूं, तो मैं उस रोड की चर्चा करता हूं जिसमें ROAD, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ ओनरशिप, ए अकाउंटेबिलिटी, डी डिसिप्लिन। ये रोड मैप पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकारी पूरे व्यवस्था को उस दिशा में हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण शासन में काम करने वाले व्यक्तियों को भी सामान्य जन की क्या अपेक्षा है उसके अनुरूप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की आदत बन जाती है। मैं समझता हूं इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा। एक उससे आगे का कदम जो मेरे मन में है, जिस पर हमने सोचना चाहिए, जिस प्रकार से आज हम इस फोरम में इस लेवल के लोग मिले हैं, मैं मानता हूं हमें विकास के लिए जिन बातों पर बल देना है उसमें मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मिनरल्स, इसका मैक्सिमम मूवमेंट कैसे हो, कोई स्टैग्नेंसी ना हो इन पांचों क्षेत्रों में, इन 5M की मूवमेंट कैसे बढ़े, और उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा अभी अरुण जी ने बताया, हम जनवरी फर्स्ट वीक में फाइनेंशियल सेक्टर को अटेंड कर रहे हैं, विशेष करके बैंकिंग सेक्टर के लोगों को बुला रहे हैं। इस गोल को पाने के लिए उनका रोल क्या होगा, उसकी वहां चर्चा करेंगे, रास्ते तय करेंगे। एक महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा मैन, हमारा काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, हमारा काम है इनोवेशन का, हमारा काम है रिसर्च का। इन सारे क्षेत्रों को भी अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए और ले जाना है, तो इन तीन बातों को हमारे डीएनए के रूप में लाना पड़ेगा। आज दुर्भाग्य से हमारी व्यवस्था में वो डीएनए नहीं है। इनोवेशन, रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये पूरे पार्ट ऑफ द प्रोसेस होना चाहिए, वो आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरा सेकंड फेज का काम ऐसा है कि क्या हम देश में 5 या 6 या 8 रीजन में यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को, मैन्युफैक्चर वर्ल्ड को और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को साथ मिलकर के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हमारी नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के लिए किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, उन लोगों को तैयार करने के लिए हमारे आज जो सिलेबस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैपेबल इनफ है क्या, उसको हम बदलाव ला सकते हैं क्या, उसमें कोई नया मॉडल ला सकते हैं हम क्या। हम कल्पना कर सकते हैं, आज अगर हम मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन, क्या बुलेट ट्रेन के लिए इंजीनियरिंग स्किल के लोग हमारे पास है क्या, नहीं है तो वी हैव टू क्रिएट।
हमने जिस गोल को अचीव करना है उसको ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पर हम कैसे बल दें और हमारी इन व्यवस्थाओं, और मैं चाहता हूं कि विद इन ए मंथ और टू इस एक स्किल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर के एक हमारा ज्वाइंट, उसको नेशनल लेवल पर नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ा, मानो केमिकल जोन है तो केमिकल जोन के लोग मिले, फिर उसके साथ संबंधित इंस्टीट्यूट मिले तो शायद हमारा प्रोडक्टिव डिबेट होगा। इस प्रकार से हम कुछ चर्चा कर करके इस पर काम करें और उसी में इनोवेशन एंड रिसर्च, अगर हम दुनिया के सामने इनोवेशन लेके नहीं जाएंगे, हमारे आईटी सेक्टर में हम लोगों ने बहुत बड़ा अपना तजुर्बा बताया 25 साल पहले, लेकिन हम गूगल नहीं बना पाए, हमारा जो टैलेंटेड मैन पावर था हमारा बाहर चला गया। क्या हम उस दिशा में सोच सकते हैं कि जगत में जो श्रेष्ठ हैं वो हमारे यहां भी पैदा हो सकता है और दुनिया इस बात को मानेगी? हमारे स्पेस का जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैं देख रहा था, सब लोग तालियां बजा रहे थे। ये भारत के नौजवान साइंटिस्ट कर रहे हैं जी, दुनिया में अपना रुतबा दिखा रहे हैं, तो और क्षेत्र तो इससे सरल है, हम इसको कर सकते हैं। और एक दूसरा जो विषय, जैसे मैंने कहा हम जनवरी फर्स्ट वीक में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को इसी विषय को लेकर के मिल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि संबंधित लोग मिल करके रीजनल इस दिशा में कैसे काम करें। और एक विषय है जिस पर हमने बल देने की आवश्यकता है, भारत का विकास संतुलित होना चाहिए। अगर पश्चिम का हिस्सा भारत का समृद्धि को और आगे बढ़े और पूरब का हिस्सा हमारा वैसे के वैसा रह जाए तो देश के लिए उचित नहीं है। हम इंडस्ट्रियल हाउसेस को भी सोचना होगा, और हम कैसे लोग हैं, कोयला ईस्ट में है और बिजली वेस्ट में पैदा करते हैं। मैं नहीं मानता हूं ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हमारी। हमारे पास प्राकृतिक संपदा सारी की सारी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, क्या हम हमारी योजनाओं में, और मैं चाहूंगा कि इसके लिए हमारे नीति निर्धारक भी अटेंशन दें, और आप जो विकास करना चाहते हैं, अपना विकास, अपनी कंपनी का विकास, देश का विकास, आप भी सोचिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसके पास जो पोटेंशियल है, उसके पास जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य हमारे देश के विकास में किस प्रकार से उपयोग हो, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कैसे बने, वहां पर भी टैलेंटेड यूथ है, वहां मिनरल्स हैं, वहां पूरी संभावनाएं पड़ी है, उन संभावनाओं पर हमें एक दशक में अगर ध्यान दें तो भारत का पश्चिमी छोर जिस प्रकार से आगे बढ़ाए, अगर पूरब का छोर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस ग्रोथ टारगेट की चर्चा पूरी दुनिया हिंदुस्तान से अपेक्षा करती है उसको पाने का वो उत्तम से उत्तम रास्ता बन सकता है। और इसलिए हम उस दिशा में भी अगर आगे बढ़े तो मैं समझता हूं हम काफी कुछ दे सकते हैं। मैं ज्यादा से लंबा समय लेना नहीं चाहता हूं आपका। आज पूरे दिन भर ये जो प्रयास हुआ है, हर एक की जिम्मेवारी तय हो चुकी है, रोड मैप तय हो चुका है, क्या अचीव करना है वो निर्धारित हो गया है, नीतियों में क्या परिवर्तन लाना है वो तय हो चुका है। अब मैं नहीं मानता हूं कि कोई कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ेगी, अपने आप चीजें इंप्लीमेंट होगी, और हम जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं उसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन बात मेक इन इंडिया से अटक नहीं सकती, हमारी कोशिश उससे आगे हो, हम दुनिया में इंडिया ब्रांड कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर दुनिया में इंडिया ब्रांड डेवलप करना है तो मेक इन इंडिया, उसके साथ एक हैशलाइन लगेगी, जीरो डिफेक्ट। अगर जीरो डिफेक्ट नहीं है तो हम ग्लोबल मार्केट में अचीव नहीं कर सकते। उसी प्रकार से दुनिया एनवायरमेंट कॉन्शियस है, एक बहुत बड़ी हमारी भी जिम्मेवारी है, तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एनवायरमेंट पे इफेक्ट ना करें, हम वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो जीरो डिफेक्ट हो और दुनिया भर के अंदर जिसकी मांग हो उस काम के लिए हम आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे दिन भर इस प्रकार का मंथन पहली बार ये प्रयोग हुआ है, इसको हम और आगे बढ़ाने वाले हैं।
सेक्टर स्पेसिफिक तक जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आपके सुझाव हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाने में काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी हफ्ते 2015 में हम प्रवेश करेंगे। मेरी आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।